अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो और फर्स्ट व्लॉग है हमारे चैनल का। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं रईस खान साहब, पठान साहब, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पता नहीं, अबू मैंने रखा था, मुझे भूल गया यार। उस्ताजी ने आपका नाम तिली रखा था। हाँ, ये नाम क्यों पड़ा आपका? या सेहत माशाल्लाह, सेहत मेरी माशाल्लाह नासिर खान जान जैसी है ना, इसलिए। अच्छा, तो आप अपने आप को कंपेयर करते हैं नासिर खान जान से? नहीं, कंपेयर आज तो मैं नहीं, सेहत में सिर्फ। नाज़रीन, हम जो है बचपन के दोस्त हैं और फ्रेंड्स, और आज तक इन्होंने मेरी जान नहीं छोड़ी, ना ही मैंने इनकी जान छोड़ी है। अभी रिसेंटली पिछले दिनों खान साहब मेरे से नाराज़ थे, मैं इनसे नाराज़ था, हमने एक दूसरे को ब्लॉक मारा हुआ था। आप देखें, आपने मुझे नाराज़ किया था ना? मैंने नाराज़ किया, लेकिन ये ग्लासेस कहाँ से लिए आपने ये बताएं? ग्लासेस मैंने यही से बनवाई है, ये पीछे। ये मेरा आज खर्चा कराने हुए हैं, ठीक है? इन्होंने मुझे कहा जी लंच आपस में, ये दो औरतों में जब सुलह हुई है तो आपने कहा हुमायूं खान साहब की जेब कटवा दो। हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने साल से किरदार अदा किया, दोनों की सुलह करवाई है, अब यहाँ खाने पे आए हम। नाज़रीन, पहले इन्होंने तिली का किरदार अदा किया था, अब ये जो है अब किस चीज़ का किरदार अदा कर रहे हैं? सालसी का। तो इन्होंने कहा कि हुमायूं खान साहब आप जो है अपनी जेब से 1000 रुपये निकालें और हमें चिकन कढ़ाई खिलाएं। अब हम अलनेमत रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं और हमने चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया हुआ है, तो पहले गर्मी में जलील हुए शॉपिंग करने, वो लॉकडाउन था, बंद किया उन्होंने डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा सिर्फ सब्ज़ी मिल सकती है। नहीं, वैसे ये इस चीज़ में क्या लॉजिक है ये बताएं कि सब्ज़ी मिल सकती है और दूसरी चीज़ें नहीं मिल सकती? वो हफ्ते को लॉकडाउन होता है वहाँ पे, डिपार्टमेंट क्लोज होता है। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दूसरी चीज़ें देने से कोरोना आ जाएगा? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि दूसरी चीज़ें देने से कोरोना आ जाएगा? पता नहीं, आज उन्होंने कहा हफ्ते को होता है ना, थोड़ा सा क्लोजिंग किया। तो आपने कहाँ से सीखा है भाई? पूछो सर, ये सबसे बड़ा झूठ है। इसी वजह से आपका नाम तिली रखा गया है। ग्लासेस कहाँ से लिए आपने? ग्लासेस यहाँ पर पीछे। नहीं, पठान कहाँ से हैं? पिशावर से हैं, क्वेटा से हैं, कराची कहाँ से हैं? मैं तो लकी मरवा से हूँ। लकी मरवा से भाई, लकी मरवा। अच्छा, कोई अपना कोई गाली तो सिखाएं कोई पश्तो में? अच्छी जी, बुरी बात। अच्छा जी, बुरी बात, ऑफ द कैमरा सबसे ज़्यादा गालियाँ। अच्छा, ये बताएं, हम मुस्लिम स्कूल में नाज़रीन इकट्ठे पढ़ते थे, तो आप ये बताएं कि मुस्लिम स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छे टीचर कौन से लगते थे आपको? अच्छे टीचर परवेज सादिक साहब, वसीम साहब। वसीम साहब क्यों? वसीम साहब, असल में वसीम साहब ना पढ़ाने का अंदाज़ हंसी मजाक में पढ़ा देते थे। क्या पढ़ाते थे भला? हमारे एक दोस्त का नाम भी रखा होता उन्होंने तीली। और गुलाम शबीर साहब और नानी मारेंगे। एक बार याद है भाई, जो सबको फेंट लगाया था शोर करने के ऊपर, डेस्क पे खड़े हो जाओ। मैं आपको तीली कह रहा हूँ, कोई बुरा तो नहीं मान रहे आप? बुरा मनाने वाले पहले मना भी लेगा तो क्या कर लेगा। वैसे आज हम एक बंदे को मिस कर रहे हैं, बोंगे को। हमारे एक नाज़रीन दोस्त है अहमद असलम भुट्टा साहब, वो भुट्टा साहब जो है वो UET टेक्सला से इंजीनियरिंग करके हैं इलेक्ट्रिकल में, और माशाल्लाह जॉब है उनकी, इसलिए वो हम सारे वेले हैं। अच्छा, ये बताएं शादी वगैरह किया भाई? शादी वगैरह करके दोबारा बोंगा भाई, और ज़्यादा बोंगा हो गया। शादी वगैरह की? मेरा तो बहुत किया लेकिन शादी नहीं की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका आप समझदार हो, पठान है बस वगैरह, बहुत बार हुआ शादी। मुरी साहब, आपने शादी किया? मैं शदीद किस्म का सिंगल हूँ यार अभी तक। आप मानते हैं इस बात? नहीं, मैं नहीं मानता। अब इसको बोलो मोबाइल दिखा दे। मोबाइल दिखाएं। इसमें क्या है? चैट दिखाएं अपनी। मैं इसको ऐसे एक बैंक की आँख से ना इसको करके देख रहा था, उसकी ऐसी लड़कियों की लिस्ट लगी हुई। नहीं, आपकी उम्र क्या है ये बताएं? मेरे उम्र अगर लड़कियों की तरफ तो बातें करें हैं, ऐसे टीचर पे लाना। अस्तगफिरुल्लाह। अपनी एज बताएं, अगर लड़कियों को इतना बताऊं तो 21। एज तो बताएं अपनी, लड़कियों को इतना बताना है छुपा के 21। देखें, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। पहले अहद करें, हाथ करें। हाँ जी, जो बोलेंगे सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, हाँ जी, अब बताएं। हाँ, क्या बोलना है? कितनी एज है? 24। आपकी? 24 से ज़्यादा हो गई है, 25 के करीब करीब है। मेरी भी 25 है, अभी 7 जुलाई को मैं 26 का हो जाऊँगा। वैसे मैं काफ़ी एज के हो गया हूँ, वालदैन को ख्याल करना चाहिए। अंकल ये देखें, बहुत तरसा हुआ बच्चा है, इसकी शादी कर दें, इससे पहले कि कहीं और ये मुंह मारे, इसकी प्लीज़ शादी कर दें। नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मेरे वालिद को मेरे ऊपर बड़ा ट्रस्ट है कि मैं कहीं मुंह नहीं मारता। हालात बड़े ख़राब हैं। देखिए, हमें निकाह करना चाहिए, निकाह को प्रमोट करना चाहिए। हैं, अच्छा मुझे ये तिली 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 आप मुस्लिम स्कूल के किसी एक टीचर की पैरोडी करके दिखाएं। जो पैरोडी तो नहीं कर सकता नहीं। अच्छा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तारिक अजी साहब होते थे हमारे, हमें मैथ पढ़ाते थे, ठीक है? अब उनके नाज़रीन यहाँ से बाल शुरू होते थे और यहाँ पे ख़त्म होते थे, मतलब यहाँ इस तरफ इस जगह पे बाल थे ही नहीं थे। अच्छा,
अब वो जब बच्चे को मारते थे तो उनके बाल उड़ के यहाँ से सारे यहाँ पे आ जाते थे और उसके बाद वैसे करते थे जैसे नरगिस करते थे। बोलना नहीं है, बोलना नहीं मिट्टू, हाँ शाबाश है, ऐसे करते थे। ऐसे हमारे वो जो न्यूटन साहब टेस्ट होते थे ना, टेस्ट न्यूटन साहब, न्यूटन साहब, न्यूटन साहब का असल नाम क्या था, काशिफ साहब, काशिफ साहब, वो जो 35 में से 33 नंबर आते थे ना, वो कहता था दो नंबर क्यों कम आए हैं, क्यों कम आए, कभी स्टिक ना होना, कभी स्टिक ना होना, ले ले ले, आज ही खाना आ गया हमारा, खाना आ गया, थप्पड़ ऐसे ऐसे हाथ मिला के ऐसे 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 करके नहीं, एमसीक्यूज में तो खैर है, सब्जेक्ट में दो नंबर क्यों कम आए हैं। एक बार यार वो किसा, अच्छा वो कशान को एक बार उन्होंने क्या था, कशान अमजद अपडेटेड हिज प्रोफाइल पिक्चर है, कशान साहब ने पता क्या, कशान साहब ने काशिफ साहब को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी फेसबुक पे, हाउस वर्क की बात है, फिर काशिफ साहब ने कुछ नहीं कहा, अगले दिन यूपी मीटिंग मीटिंग है वो पाकिस्तानी वाले, काशिफ साहब ने उसके नंबर भी कम थे, पाकिस्तानी वाले यार वो तो बड़े जुते मारते थे, इन्होंने हमें शादी करने का तरीका बताया था, जल्दी जल्दी बहुत सारी अवाम जो है वो अंडर 18 है, किसी ने अगर पूछना हो तो मुझे मैसेज कर सकता है इनबॉक्स में, कर सकते हैं, बेशक मेरी अपनी शादी कभी नहीं हुई लेकिन तरीका हमारे पास मौजूद है, बहुत जबरदस्त क्लासिक तरीका है, हमने आजमाया नहीं ना अभी तक, हाँ आजमाते तो फिर अब शरीफ लोग है ना हम, हमारे हमारे घर वालों को हम पे तरस आना चाहिए, हम शरीफ लोग, हमारे 5-6 बच्चे होते हैं, 5-6 बच्चे होते हैं अगर हम आजमा चुके हो, वैसे आप कितने बच्चे करेंगे, नहीं नहीं मेरा आज के दौर के तकाजे के लिहाज से आप कितने बच्चे करेंगे ये बताएं, मेरे हिसाब से 4-5 बस मैक्सिमम, मैं बताता हूँ भाई, इसके ये टोटल 16 बहन भाई हैं, ठीक है, इनके घर वालों ने इनके घर वालों पे मंसूबा, दो शादियाँ या एक ही है, इनके घर वालों को मंसूबा बंदी वाले ना औरत भेजी, अपने नर्स भेजे कि इसके अबू को सिखाएं, वो आए इसके अबू के साथ मीटिंग की कि प्लीज अपने दोस्त ना अबू के सिखाएं, लेकिन इसके अबू ने उस नर्स को सिखाया, उस नर्स का बेटा है ये बहुत गलत बात की इसने, आप गेम, अच्छा आप मुझे बताएं आप कितने करेंगे बच्चे, बच्चे दो ही अच्छे यार, क्यों यार, अगर अच्छे हो तो मैं कहता हूँ, नहीं 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 ओ भाई पैदा करने को मुझे बाओ पैदा अच्छा अच्छा नहीं मुझे बात बताएं, देखिए मैं कहता हूँ चले तीन तो यार पैदा एंगल तो पूरी हो, मैंने ये नहीं कहा कि पैदा तेरी जैसे पैदा हो गए, मैंने ये नहीं कहा कि यार बच्चे भाई मेरी लॉजिक समझ के शर्म करो हया करो रियाजी नाल ब्याह करो, तो रियाजी कहती है जी मैंने ये नहीं कहा, मेरी बात सुन, तीन साइड्स और तीन एंगल होते हैं, मैं मेरी बात सुन, मैंने ये नहीं कहा कि बच्चे दो पैदा करने हैं, मैंने कहा बच्चे 20 पैदा करो लेकिन अच्छे दो तो अच्छे निकलेंगे यार, हां मैंने कहा बच्चे दो अच्छे, ये बात आपने की, बच्चे दो अच्छे, बच्चे 20 पैदा करो दो तो अच्छे निकलेंगे, अगर दो ही पैदा करोगे दोनों अच्छे ना निकलेंगे, वैसे ये सियासी बयान है आपका, हां 20 पैदा कर सकते हैं, आपने यू टर्न लिया इमरान खान की तरह, नहीं यू टर्न अच्छा होता है वैसे, मैंने 20 पैदा कर सकता है, हां अच्छा जी ये बताएं कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल वेले कोरोना की वजह से ऑनलाइन डिग्री मजे हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भजन, मैं भी बेरोजगार हूँ, नाज़रीन वैसे ये मजाक कर रहे हैं, आजकल इंशाल्लाह हम अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने वाले हैं इकट्ठे, क्योंकि पढ़े भी इकट्ठे हैं तो हमने कहा कि हमारा प्रोफेशनल करियर भी इकट्ठे ही होना चाहिए, शादी भी इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह, लड़कियाँ ले आएंगे यार कोई ढूंढ लेंगे, कोई तो नेक बंदा होगा जो हमारी नेकी समझेगा, कोई तो पठानी बची होगी अच्छा ये पता है कभी किसी ने दिल दुखाया नहीं यार, कभी कोई शेर तो सुना दें, कोई पोइट्री को सुना दें, मैंने आपके आपका एक पेज है उस पर आप बड़ी पोइट्री शेयर करते हैं, पोइट्री मेरा ना सेकंड लव है यार, पोइट्री से अच्छा चलें कोई पहला मेरी बेगम है कि ना चलें कोई अच्छी सी पोइट्री सुना दें, कौन सी रोमांटिक हो सैड हो कौन सी हो, सैड हो जाए चलें, कहते हैं खत के छोटे से तराश, अब देखिए लड़की के ये ऐसे लोग होते हैं ना घटिया तरीन लोग, जान हेलो ये महफिल के खिलाफ है, रखें इसको बंद करें इसको, अब क्या कर रहा होगा, हाँ जानू मैं थोड़ा सा बिजी हूँ प्लीज छोड़ देने, बात करता हूँ आपको थोड़ी देर में, चले आप स्टार्ट करें, छोड़े ये मोबाइल इधर चलें, कहते हैं खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज़्यादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे, क्या बात है क्या बात है यार, इनको खैर खबर हो तो बताओ यारो, उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो,
हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। क्या बात, हम ना मजनू हैं ना फरहाद के कुछ लगते हैं, हम ना मजनू हैं ना फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश तमाशे में नहीं आएंगे। जिस तरह उसने बीमार से रुख्सत ली है, आखिरी शेर है, जिस तरह उसने बीमार से रुख्सत ली है, साफ लगता है कि जनाजे में नहीं आएंगे। क्या बात है भाई, आपको तो अंदर दुख भरा हुआ है हैं भाई, ये तो दुख भरा उठ के भरा हुआ है, कूट कूट के दिल दुखाया, दिल दुखाया नहीं है यार, बस सोच रहे हैं कोई दिल दुखाने वाली आए फिर मनाए, फिर हम उसका दुखाएं और हमें मनाए। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ वैसे आप ही बताएं, एक लड़की ने कितनी बार दिल दुखाया, ऐसे दिल रखते ही नहीं कि टूट जाए। नाज़रीन यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगली वीडियोस में भी ये दो शक्लें आपको नज़र आती रहेंगी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह शक्ल तो देखें, ग्लासेस चेक करें ज़रा माशाल्लाह, ये वो नहीं है भोला रिकॉर्ड उस पर, उसको देख देख के ग्लासेस पहन रहे हैं आप, कह रहे हैं मैं गंजा भी होता हूँ भोला रिकॉर्ड की तरह, वो इसका मुर्शिद है। हाँ चले मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।